मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो भाइयों को देखते हैं, जिन्होंने पैसे के लिए ट्रेसी नाम की एक लड़की को किडनैप किया था, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन आर्मी की बेटी थी। उन दोनों भाइयों के नाम डेविड और पीटर था। ये दोनों ट्रेसी को उठा के एक पुरानी कॉटेज के रूम में ले जाता है, लेकिन उस रूम की चाबी नीचे ही रह गई थी। तब डेविड नीचे चाबी लाने के लिए जाता है और पीटर को ट्रेसी के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। तभी ट्रेसी की होश आ जाता है और ट्रेसी पीटर के ऊपर हमला कर देता है। ट्रेसी अपने सर से मार के पीटर की नाक तोड़ देता है। तब पीटर का चीखे सुन के डेविड चाबी लेके जल्दी से ऊपर आ जाता है और ऊपर आके देखता है कि ट्रेसी होश में है और वो पीटर को मार रहा था। फिर डेविड ट्रेसी को उस रूम में ले जाके बांध देते हैं और फिर डेविड अपने भाई पीटर की नाक को मरहम पट्टी करते हैं। दूसरी तरफ हमें एंड्रियो को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेसी का भाई होता है, जिसे अपने पापा आर्मी के कहने के अनुसार ट्रेसी के किडनैपर तक पैसा पहुंचाना होता है। एंड्रियो के ऊपर उसके पापा आर्मी का शक हो जाता है कि एंड्रियो भी किडनैपर्स के साथ अपनी बहन ट्रेसी के किडनैपिंग के साजिश में मौजूद है। तब आर्मी एंड्रियो के पीछे अपना दो आदमी भेजता है। उसके बाद एंड्रियो पैसे की बैग लेकर उन दो किडनैपर्स भाइयों के पास पहुंच जाता है। एंड्रियो और वो दोनों भाई बहुत ही खुश हो जाता है कि पैसा उनके हाथ आ गया। खुशी खुशी में जब वो लोग बैग को खोलता है, तब बैग में एक भी पैसा नहीं था। पैसे के बदले बहुत सारा टिश्यू पेपर्स था। दरअसल एंड्रियो बैग को चेक करके नहीं लाया था। टिश्यू पेपर्स को देख के डेविड गुस्से से पागल हो जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। डेविड की चीखों की आवाज को सुन के बाहर खड़े आर्मी के भेजे हुए वो दो आदमी समझ जाता है कि उन्होंने बैग खोल के देख लिया। डेविड और पीटर ये समझ जाता है कि एंड्रियो के फादर आर्मी को अपने बेटे के ऊपर शक हो चुका है और वो लोग इस बार आर्मी से अपने बैंक अकाउंट में पैसे मांगने वाला होता है। लेकिन इसमें बहुत खतरा था, क्योंकि उनके अकाउंट नंबर से उनके बारे में जानना बहुत ही आसान था। फिर भी उन्होंने ये खतरा मोल लिया था, क्योंकि उन लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत होता है। अकाउंट नंबर जानने के लिए पीटर बाहर जाके अपने वाइफ को कॉल करता है, ताकि वो अपने वाइफ से अकाउंट नंबर ले सके। तभी ट्रेसी जैसे तैसे करके अपना मुंह खोल लेता है और चीखने लगता है। ट्रेसी के चीखे सुन के पीटर घबरा जाता है और उसके मोबाइल हाथ से पानी में गिर जाता है। पीटर तब भाग के उस रूम में जाता है जहाँ ट्रेसी था। वहाँ जाके पीटर देखता है डेविड ट्रेसी को बांध रहा था। जल्दबाजी में पीटर और एंड्रियो मास्क पहनना भूल जाता है, जिसकी वजह से ट्रेसी पीटर और अपना भाई एंड्रियो के फेस देख लेता है। इस वजह से डेविड उन दोनों पर बहुत गुस्सा हो जाता है। डेविड को अब फोन चाहिए था, लेकिन पीटर तो फोन पानी में गिरा देता है और एंड्रियो की फोन पर चार्ज नहीं था। यह देख कर डेविड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डेविड कोटेज के पास वाले गांव में एक टेलीफोन बूथ में जाकर कॉल करता है। जैसे ही डेविड टेलीफोन बूथ से बाहर आता है, तब देखते हैं कि विलेज के लोग बाहर खड़े होकर डेविड की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था। तब उन गांव वालों में से एक आदमी उसे कहता है कि तुम जिस कॉटेज में ठहरे हो उस कॉटेज में बहुत ही खतरा है। और वो आदमी डेविड को और भी कहता है कि खिड़की और दरवाजा अच्छे से बंद करके रखना, रात को कहीं घूमने बाहर मत जाना, क्योंकि उस जगह से बहुत लोग गायब हुए हैं। डेविड उनकी बातों को इग्नोर करके वहां से चले आते हैं। फिर डेविड कॉटेज में जाके देखते है कि एंड्रियो बेहोश पड़ा हुआ है और ट्रेसी और पीटर वहां पे नहीं है। डेविड तब एंड्रियो को होश में लाता है और उनसे पूछता है कि वहां पे क्या हुआ है। इस बात पे एंड्रियो कहता है कि ट्रेसी पीटर और एंड्रियो को चकमा देके एंड्रियो को मार के पीटर को अपने साथ ले गया है। यह सुनकर डेविड को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी उनके दरवाजे पे आवाज होता है और खून से लथपथ एक आदमी अंदर आ जाता है, जिसका मुंह टेप से बंधा हुआ था। उसका हालत बहुत ही खराब था। एंड्रियो उस घायल आदमी को पहचान लेता है। दरअसल वो एंड्रियो के बार्बर होता है। तब डेविड समझ जाता है कि एंड्रियो ने अपने बार्बर से ट्रेसी के किडनैपिंग के बारे में बोल दिया है, इसलिए एंड्रियो के पिता अंडरवर्ल्ड माफिया आर्नी को सब पता चल जाता है कि उसका बेटा भी ट्रेसी के किडनैपिंग में शामिल है, और इसलिए आर्नी ने अपना दो आदमी एंड्रियो के पीछे भेजा है, और उन लोगों ने ही एंड्रियो के बार्बर को यहाँ लेके आता है और उसका ये हाल करता है। तब डेविड आर्नी के भेजे हुए उन दोनों आदमी के बारे में पूछता है। तब वो बार बार कहता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों तुम्हें भी मार डालेगा। डेविड पूछता है कि कौन, और इस बात पे वो बार बार कहता है कि एक चाइनीस और एक कुरियन। ये कहते ही उस बार्बर की पेट फट जाता है और सारे आत्रिया बाहर आ जाता है। बहुत ही बुरे तरीके से वो मर जाता है।
दूसरी तरफ ट्रेसी पीटर को चाकू की नोक पे ले जा रहे थे और उसने पीटर की मुंह भी बिगाड़ दिया था। ट्रेसी पीटर से कहती है कि मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ हमें एक टेलीफोन मिले और मैं अपने फादर को कॉल कर सकूँ ताकि मेरे फादर के आदमी मुझे रेस्क्यू करके ले जाए। थोड़ी दूर जाने पर ट्रेसी को एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है जिसपे लिखा हुआ था कि यहाँ खतरा है, इस जगह से दूर रहे। लेकिन ट्रेसी उस नोटिस बोर्ड को इग्नोर करके बाउंड्री के उस पर चले जाते हैं और पीछे पीछे पीटर भी वहाँ घुस जाता है। वहाँ एक बंगला था जिसका लाइट्स ऑन था और डोर भी ओपन था। तब वो लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि डेविड और एंड्रियो जंगल में उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें आर्मी के भेजे हुए दो आदमियों में से एक मिलता है जो रस्सी से दो पैरों के बीच बंधा हुआ था और उसका गला पूरी तरीके से कटा हुआ था। डेविड समझता है कि उसे जरूर उसके दूसरे साथी ने मारा होगा। उस तरफ पीटर फ्रिज से एक मटर का पैकेट लेके अपने जख्मों पे लगाते हैं। तभी पीटर को बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देते हैं और पीटर चीख के ट्रेसी को बुलाते हैं। दरअसल ट्रेसी ऊपर के कमरे में फोन ढूंढने गया था। ट्रेसी आके बेसमेंट के दरवाजे को खोल के देखता है लेकिन उसमें कोई नहीं था। उसके बाद ट्रेसी पीटर की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा होता है। तब पीटर की पूछने में ट्रेसी जवाब देती है कि तुम्हारे पीछे फ्रिज में देखो। दरअसल फ्रिज में इंसानों की कटे हुए हाथ था और इसे देख के पीटर भी काफी घबरा जाता है। तभी एक चाकू ट्रेसी के शरीर के आर पार हो जाता है। ये चाकू एक कैनिवल ने मारा था। वो कैनिवल ट्रेसी को छोड़ के पीटर के पीछे भागने लगा। तब पीटर खिड़की से कूद के अपना जान बचा लेता है और इस दौरान पीटर की पैर में चोट लग जाता है। पीटर बाहर से भागने वाला होता है कि तभी ट्रेसी पीछे से बुलाता है और पीटर को कहता है कि मुझे बचा लो, मैं अपने पापा से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। तब पीटर ट्रेसी को लेकर भाग रहा होता है। तभी वो कैनिवल पीछे से आ जाता है और पीटर ट्रेसी को छोड़ के भागने लगता है और वो कैनिवल ट्रेसी को गिरा के मारने वाला होता है कि तभी पीटर एक फावड़ा लेके कैनिवल की मुंह पे मारता है जिससे वो कैनिवल बेहोश हो जाता है। तब ट्रेसी पीटर से उस कैनिवल को मारने के लिए कहता है लेकिन पीटर ये नहीं कर पा रहा था क्योंकि पीटर इससे पहले ऐसा काम कभी नहीं किया था। वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे कि तभी उस कैनिवल को होश आ जाता है और वो कैनिवल उस फावड़े को लेके पीटर के पैर में मारता है जिससे पीटर की पैर कट जाता है। अब ये देख के ट्रेसी बहुत घबरा जाता है और चीखने लगता है। ट्रेसी के चीखे सुन के कैनिवल को गुस्सा आ जाता है और वो उस फावड़े को ट्रेसी के मुंह में दे मारता है और जोरों से प्रेशर देता है जिससे ट्रेसी की मुंह कट के दो हिस्से में बट जाता है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से ट्रेसी मर जाता है। और फिर वो कैनिवल पीटर के मुंह में फावड़ा मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर वो कैनिवल पीटर को घसीट के ले जाके एक रॉट हुक से उसकी जैकेट के जरिए लटका देता है। दूसरी तरफ डेविड और एंड्रियो भी उन लोगों को ढूंढते हुए उस बंगले में आ जाता है। तभी एंड्रियो की पैर कैनिवल की ट्रैप में आ जाता है जिससे एंड्रियो की पैर कट जाता है। फिर किसी तरह से वो लोग उस जगह पे पहुंच जाता है जहां उस कैनिवल ने ट्रेसी को मारा था। वहां डेविड को पीटर का कटा हुआ पैर मिलता है जिसे देख के डेविड काफी डर जाता है और एंड्रियो से कहता है कि मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना भाई चाहिए। फिर डेविड और एंड्रियो पीटर को ढूंढने के लिए एक रूम में चले जाते हैं और जैसे ही वो उस रूम का लाइट्स ऑन करते हैं तभी वो लोग घबरा जाता है क्योंकि उस रूम में बहुत सारे लोगों के कटे हुए सर को शोपीस की तरह सजा के रखा था। तभी वहाँ पे एक सर हिलने लगा था और वो सर कैनिवल का था। तभी वो कैनिवल डेविड के ऊपर अटैक करके उसे रूम से बाहर फेंक देता है और डेविड के पैर में एक कुल्हाड़ी मार के उसे इंजर्ड कर देता है और फिर वो कैनिवल एंड्रियो के पीछे पीछे जाता है। एंड्रियो घोड़े की तबेले में छुप जाता है और फिर वो कैनिवल एंड्रियो को बहुत ढूंढता है लेकिन एंड्रियो उसे नहीं मिलता है। तभी एंड्रियो की फोन जिसका बैटरी लो था उसमें एंड्रियो के फादर आर्मी का कॉल आता है। एंड्रियो अपने फादर से कहता है कि यहाँ पे एक पागल कैनिवल आदमी है जिसने ट्रेसी को मार डाला और अब वो मुझे भी मार डालेगा। तभी वो कैनिवल आके एंड्रियो पे हमला कर देता है और मार डालता है और तो और वो कैनिवल एंड्रियो के पूरी स्पाइन और सर को पोड़ी से उखाड़ देता है। दूसरी तरफ पीटर जो कि रॉड हुक से लटका हुआ था उसे होश आता है और वो जैसे तैसे करके उस रॉड हुक से खुद को छुड़ा लेता है और डेविड के दर्द भरा चीखे सुन के उसके पास जाता है और डेविड के पैर से वो एक्स निकालता है जो कि कैनिवल ने मारा था। तब वो दोनों भाई जमीन पे लेट के एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मौत का इंतजार कर रहे थे।
तभी डेविड अचानक से उठ जाता है और कहता है कि हम यहाँ से जिंदा ही वापस लौटेंगे। फिर वो दोनों फोन ढूंढने के लिए उस घर में फिर से जाते हैं। डेविड पीटर को नीचे पहरा देने के लिए कहता है और वो ऊपर फोन ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी ऊपर एक रूम से गंदी सी स्मेल आता है। जब डेविड उस रूम में जाता है तब वो कुछ ऐसा देखता है जिससे वो घबरा जाता है और उल्टी करने लगता है। दरअसल वहाँ रियल ह्यूमन स्किन के फेस मास्क थे। वो केनिवल लोगों को मार के उसकी फेस की स्किन से फेस मास्क बनाते थे। वहाँ दीवार पे कुछ तस्वीरें थे जिसमें वो केनिवल फेस मास्क पहन के दो औरतों से जबरदस्ती शादी कर रहे थे। तभी डेविड विंडो से देखता है कि केनिवल अंदर आ रहा है। तभी डेविड ऊपर से भाग के अपने भाई पीटर के पास चले आते हैं। तभी उन्हें बेसमेंट से आवाजें सुनाई देते हैं। जब वो दोनों बेसमेंट की दरवाजे की तरफ देख रहा था तब वो केनिवल एंड्रियो के सर को खिड़की से अंदर फेंकता है, जिसे देख वो दोनों भाई बहुत ही घबरा जाता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगता है कि तभी वहाँ पर वो केनिवल आ जाता है और वो केनिवल डेविड को धक्का देके पीटर को गर्दन से पकड़ लेता है। तभी डेविड अपने भाई को बचाने के लिए हथियार ढूंढ रहे थे और डेविड को एक डायरी मिलता है। वो केनिवल डेविड के हाथों में वो डायरी देख के पीटर को छोड़ देता है। डेविड उस डायरी में से एक तस्वीर ले लेता है और उसे फाड़ने की धमकी देता है और हड़बड़ाहट में वो तस्वीर फाड़ देता है, जिससे वो कैनिबल और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक हथियार लेकर डेविड की बॉडी के आर पार कर देता है और वो कैनिबल उस तस्वीर को ठीक करने लगता है। दरअसल वो तस्वीर उस कैनिबल की फैमिली पिक्चर थी। पीटर अपना भाई का ये हाल देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और एक रस्सी लेके उस केनिवल के गले में डाल के उसे मारना चाहता है, लेकिन केनिवल उसे धक्का देके बेसमेंट में गिरा देता है। उसके बाद दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। वो रस्सी बहुत ही लंबा था जिससे पीटर उस रस्सी को खींचता है और केनिवल के दम घुटने लगता है और बचने के लिए वो केनिवल एक अलमारी को पकड़ता है, लेकिन वो अलमारी भी उसके ऊपर गिर जाता है और कुछ ही देर में वो केनिवल मारा जाता है। लेकिन केनिवल और अलमारी बेसमेंट के दरवाजे के ऊपर गिरा हुआ था, जिससे बेसमेंट का दरवाज़ा पीटर से नहीं खुलता है और वो बेसमेंट में कैद हो जाता है। पीटर अपना लाइटर जला के बेसमेंट की आगे की तरफ बढ़ रहा था। तब हम देखते हैं कि बेसमेंट में उस केनिवल के बच्चा और वाइफ है, जो कि इंसानों के हाथ और पैरों को खा रहे थे। उन्होंने पीटर के ऊपर भी अटैक कर दिया और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर इस मूवी के एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।